गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास टेंथ के हम लोग चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ये आपका थर्ड लेक्चर है। ओके, तो थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ एलिमिनेशन मेथड। हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ एलिमिनेशन मेथड। ओके, सेकेंड लेक्चर में भी हम लोग क्या पढ़े थे? एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे और कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखे थे एलिमिनेशन मेथड के बेस्ड पे। ओके, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू आपको निकालना है। ओके, गिवन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5xy। ओके, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। ओके, इट इज गिवन। अब देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखकर एनालाइज करना होगा कि आपको वर्क क्या करना है। तो सबसे पहला हमें क्या दिख रहा है बेटा? यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के पास क्या दिख रहा है? एक्स वाई दिख रहा है। हमारा कांस्टेंट टर्म में एक्स वाई दिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसे हमें क्या करना होगा? हटाना होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5xy, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ इसके बाद हमें वर्क क्या करना है? नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 by xy से क्या करने वाले हैं? इक्वेशन 1 और 2 को बोथ साइड में डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए डिवीजन करते हैं। देखिए, पहले इक्वेशन में x है, x प्लस वाई है ना, तो यहाँ पर x डिवाइडेड बाई एक्स वाई हो जाएगा। ओके, x डिवाइडेड बाई एक्स वाई, चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं। x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 5xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ओके, नाउ अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या कैंसिल हो रहा है? देखिए, यहाँ पर ये x और ये x कैंसिल हो जा रहा, यहाँ से y कैंसिल आउट हो जा रहा, यहाँ से xy दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या आया? चलिए राइट साइड में लिखते हैं, क्या इक्वेशन बच गया? देखिए, इसको हम फॉर्म में लिखते हैं, 1 by x प्लस 1 by y। क्या बचा आपके पास? 1 by x प्लस 1 by y। ओके, चलिए तो 1 by x प्लस 1 by y इज इक्वल टू व्हाट? 5। ये आपका न्यू फॉर्म हो गया इक्वेशन 1 का। हमें इसे बना लिए, इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन 1। ओके, नाउ सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं। 3x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 13xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ओके, देखिए यहाँ से भी x x कैंसिल आउट हो जाएगा, y कैंसिल आउट, xy कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब अरेंज करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये आपका इक्वेशन सेकेंड का न्यू फॉर्म हो चुका है। ओके, नाउ अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? एजम्पशन करेंगे क्या कि लेट 1 by x इक्वल टू पी एंड 1 by y इक्वल टू क्यू, मान लिए। ठीक है, तो देखिए, अगर हम मान लिए 1 by x इक्वल टू पी और 1 by y इक्वल टू क्यू, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा? पी प्लस क्यू इक्वल टू 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या बन के आएगा? सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा? 2p प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ओके, चलिए तो इसके बाद हम लोग कहाँ देखेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए इक्वेशन को। हमारा पहला इक्वेशन क्या बन के आया? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म है। और सेकेंड इक्वेशन का फॉर्म क्या आया था? 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम
P को एलिमिनेट करने वाले हैं। किसको एलिमिनेट करेंगे? P को। तो P को एलिमिनेट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए, हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्या हो जाएगा? 2P प्लस 2Q इक्वल टू 5×2=10। ओके, और सेकेंड इक्वेशन को एज यूजुअल लिख लेना है, 2P प्लस 3Q इक्वल टू 30। अब यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे, देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल। अब 2Q माइनस 3Q विच इज इक्वल टू व्हाट? माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस 3। देखिए माइनस माइनस कैंसल आउट, तो क्यू इक्वल टू 3। क्या आया? क्यू इक्वल टू 3 आ गया। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? इसके बाद हम लोग पी का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पी का वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है? पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 5, पी प्लस क्यू इक्वल टू 5, और क्यू का वैल्यू अभी आया 3। ठीक है, तो पी प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो पी इक्वल टू व्हाट? अब देखिए 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2, तो पी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। ओके, मगर हमें फाइंड क्या करना था? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो हमने पी को क्या माना था? पी को क्या माने थे? पी इक्वल टू 1/x हम लोग एजम्पशन किए थे। तो पी का वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 2/1 इक्वल टू व्हाट? 1/x। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, दिस इज योर आंसर। ओके, सिमिलरली y को हमें फाइंड करना है, तो q इक्वल टू व्हाट? 1/y हम लोग एजम्पशन किए थे, q इक्वल टू 1/y एजम्पशन किए थे। q का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पर? 3 है, तो 3 इक्वल टू व्हाट? 1/y, 3 इक्वल टू 1/y। अब यहाँ पर 1 कर दिए, रेसिप्रोकल करने पे ये भी क्या होगा? y इक्वल टू 1/3। ओके, तो ये आपका x और y का आंसर आ चुका है। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। क्या बोला गया कि एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? 5/5 एक्स प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -1। दूसरा इक्वेशन क्या है? 15/x प्लस वाई माइनस 7/x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या होगा? एजम्पशन। पहला वर्क क्या होगा? एजम्पशन। क्या एजम्पशन करेंगे? लेट्स सी, लेट यहाँ पर मान लेते हैं, लेट 1/x + y इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि ये क्या हो गया? p। ओके, एंड 1/x माइनस y इक्वल टू q, ये हम लोग मान लिए। ठीक है, जब हम लोगों ने माना तो पहला इक्वेशन हमारा क्या बन के आने वाला है? सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? 5। अब 1/x प्लस वाई को p माने थे ना, तो ये 5p हो जाएगा, ये आपका 5p। नाउ माइनस, उसके बाद क्या है? 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 1/x माइनस वाई को क्या रखे थे? q, विच इज इक्वल टू -1। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देते। ओके, नाउ इसके बाद हमारा सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली क्या बन के आएगा? सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा 15p माइनस 7q इज इक्वल टू 10। ओके, चलिए अब हमें एलिमिनेट किसे करना है? हम p को एलिमिनेट करने वाले हैं। तो p को एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना होगा? इक्वेशन 1 में 15 बनाना होगा, तो इक्वेशन 1 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 3। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइड बाई 3 करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? 5 3 जा 15, तो ये बन के आ गया 15p माइनस 3 2 जा 6 क्यूब विच इज इक्वल टू -3। ओके, इसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन को एज यूजुअल लिख लेंगे, 15p माइनस 7q इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ अब इसे एलिमिनेट करना है, तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 वाला। अब प्लस 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू व्हाट? वेट, लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा ये क्यू, ये हो जाएगा क्यू। ओके, और क्यू इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस प्लस बट साइन इज माइनस तो 10 प्लस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट माइनस 13 10 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 13 ओके चलिए q का वैल्यू हमारे पास आ चुका है अब क्या करना है p निकालना है क्या निकालना है p चलिए इक्वेशन 1 को यूज कर लेते हैं इक्वेशन 1 क्या है 5p माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस 1 ओके अब यहाँ पर 5p हो जाएगा माइनस 2 का वैल्यू q का वैल्यू कितना है बेटा माइनस 13 क्या है माइनस 13 विच इज इक्वल टू माइनस 1 देखिए तो 5p इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 13 टू जा 26 विच इज इक्वल टू माइनस 1 तो 5p इक्वल टू व्हाट अब देखिए इसको इधर लेकर आते हैं ठीक है तो माइनस 1 माइनस 26 माइनस 26 विच इज इक्वल टू व्हाट चलिए यहीं पर लिख लेते हैं तो 5p इक्वल टू व्हाट 5p इक्वल टू माइनस 27 5p इक्वल टू माइनस 27 तो p इक्वल टू व्हाट माइनस 27 बाई माइनस 27 बाई 5 ओके हो गया अब इसके बाद हमें क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में ठीक है ना नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा इसके वैल्यू को सिंप्लीफाई करना होगा ठीक है कैसे करेंगे तो हमारे पास क्या है q इक्वल टू माइनस 13 और p इक्वल टू माइनस 27 बाई 5 अब इस वैल्यू को लेकर आपको आगे प्रोसीड करना होगा ओके चलिए देखिए तो आगे हमारे पास क्या हो गया हम लोगों ने जो कि माना था क्या माने थे p इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वाई यही था और p का वैल्यू कितना आया है p का वैल्यू कितना आया है माइनस 27 बाई 5 माइनस 27 बाई 5 विच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वाई ओके नाउ ये आपका वाई हो गया अब हम लोग इसका वैल्यू को निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 27x माइनस 27y इक्वल टू 5 ये इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं ठीक है सिमिलरली आपके पास q का वैल्यू दिया हुआ है q इक्वल टू व्हाट माइनस 13 आया था तो q को हम लोग क्या मान के रखे थे यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड में q का वैल्यू को हम लोग क्या रखे थे एजम्पशन x माइनस वाई विच इज इक्वल टू व्हाट माइनस 13 विच इज इक्वल टू माइनस 13 ओके नाउ अब इसके बाद बेटा आपको करना क्या है यहाँ पर ध्यान देना होगा ठीक है अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे तो क्या होगा माइनस 13 देखिए ध्यान से माइनस 13 एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस 13 वाई इक्वल टू 1 ये आपका क्या हो गया इक्वेशन 4 हो गया ठीक है अब आपको क्या करना होगा एलिमिनेट करना है किसको हमें एलिमिनेट करना है एक्स और वाई में से किसी एक को तो यहाँ पर आपको इक्वेशन थर्ड को लिख लेना है जैसे क्या है 27x माइनस 27y इज इक्वल टू 5 ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड है ठीक है अब इसको क्या करना है किसी को जिसको एलिमिनेट करना है तो उसको क्रॉस करेंगे अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 27 से और इसको 13 से ठीक है मल्टीप्लाई करके आगे आप लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू को खुद फाइंड कीजिएगा ठीक है ना एक्स एंड वाई का वैल्यू को खुद से फाइंड करना होगा ओके चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ठीक है लेट्स सी देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई 71x प्लस 37y इक्वल टू 253 दूसरा क्या है 37x प्लस 71y इक्वल टू 287 अब देखिए इसे हम स्पेशल टाइप क्यों बोले इसके पीछे रीजन है देखिए जो x का कोफिशियंट है ध्यान से देखिए यहाँ पर जो x का कोफिशियंट है ठीक है ना दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशियंट है पहले वाले इक्वेशन में 37 है तो देखिए ये आपका x का हो गया तो ये आपका इसीलिए स्पेशल टाइप का केस हो जाता है बेटा अगर आप एलिमिनेशन लगाने जाते हैं तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन बन जाता है ठीक है तो इसको जो कि ईजी में अगर सॉल्व करना है तो इसका मेथड को आपको याद रखना होगा मेथड क्या करना होगा मान लेते हैं कि आपका इक्वेशन को पहले हम लिखते हैं कि 71x प्लस 37y इक्वल टू 253 दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सिमिलरली 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 ओके नाउ अब आगे वर्क क्या करना है आपको एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोले हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग
इक्वेशन वन एंड टू, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। देखिए यहीं से हम ऐड करके आपको बताते हैं। तो देखिए 71 प्लस 37, 71 प्लस 37 विच इज इक्वल टू व्हाट, 108x, बीच में प्लस होगा। अब 37 प्लस 71 विच इज इक्वल टू व्हाट, 108y हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़िए, 253 प्लस 287 विच इज इक्वल टू व्हाट, देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 3 10, कैरी 1, 819, 9 प्लस 5 इक्वल टू 14, कैरी 1, 224 प्लस 1 5 540। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन से 108 को कॉमन ले लेते हैं, 108 को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लिए तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 540। ओके, अब देखिए 540 जो है 108 से आपका कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 5 टाइम्स में। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन आ गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन बनाकर छोड़ देते हैं अभी। ठीक है ना, नाउ अब नेक्स्ट केस हमें क्या करना होगा, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2 को घटाने वाले हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 2 करना है। अब देखिए 71 माइनस 37, सब्ट्रैक्शन यहाँ कर रहे हैं, देखिए इक्वेशन को देखिए यहाँ पर, तो 71 माइनस 37 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34x। अब देखिए प्लस और यहाँ पर क्या होगा, माइनस, तो माइनस हो जाएगा। और 37 माइनस 37 माइनस 71 विच इज इक्वल टू व्हाट, -34y विच इज इक्वल टू, अब इसको घटाएंगे, 253 माइनस 287 इज इक्वल टू व्हाट, -34। ओके, अब यहाँ से 34 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिए तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -34। ओके, अब देखिए 34 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखते हैं, हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या था, एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, वेट इसको इरेज करते, अच्छे से लिखते हैं, क्या गिवन था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ लिख लिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपका क्या था, इक्वेशन नंबर थर्ड था। और इक्वेशन नंबर फोर क्या आया था बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 था। ठीक है, चलिए इसे सिंप्लीफाई करना, हम x को एलिमिनेट करते हैं, तो माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए x कैंसल आउट, y प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, 2y, यहाँ पर 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू 3 आ गया। ओके, नाउ अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या फिर 2, किसी में भी आप रख सकते हैं, 1 में रखते हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू फाइव। ओके, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 5, तो x इक्वल टू व्हाट, 5 माइनस 3, तो x इक्वल टू व्हाट, 2, तो हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ओके ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी क्या क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x एंड y। क्वेश्चन क्या है, 5 upon x plus 2 upon y इज इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, -5 by x plus 4 by y इज इक्वल टू -3। ओके, इट इज गिवन। नाउ सबसे पहला वर्क आपको क्या करना है, एजम्पशन, पहला वर्क क्या करना है, एजम्पशन। एजम्पशन क्या करेंगे कि लेट 1 by x equal to p एंड 1 by y equal to q हमने मान लिया, तो हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, सबसे पहले ये देखिए, पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन जाएगा 5p plus 2q is equal to 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। सिमिलरली इक्वेशन नंबर सेकेंड के तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो यह क्या बनेगा, माइनस
माइनस 5p प्लस 4q इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ओके नाउ अब इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगा। देखिए आपका p तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है बेटा, एक ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, तो हमारा एडिशन में ही रहने देते हैं, तो ये एलिमिनेट हो गया। 4 प्लस 2 इक्वल टू व्हाट 6q, और 6 माइनस 3 इक्वल टू व्हाट 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, यहाँ से काटेंगे 3 बन जा 3 और 3 टू जा 6। ओके चलिए इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ गया कि 2q इक्वल टू 1। ओके नाउ तो q इक्वल टू 1 बाई 2। ओके अभी तक हमारा क्या फाइंड हुआ, q का वैल्यू फाइंड हुआ। ओके चलिए तो q का वैल्यू फाइंड हो गया, यहीं से हम y का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। हमने q को क्या माना था, q को क्या एजम्पशन किए थे, देखिए यहाँ पर करते हैं q इक्वल टू व्हाट 1 बाई वाई, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई इक्वल टू व्हाट 1 बाई 2। इसको जो कि अब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ चुका है। ओके नाउ अब इसके बाद हम लोग p का वैल्यू पुट करेंगे, तो p का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5p प्लस 2q, तो 2 इंटू क्यू के जगह पर क्या रखना होगा 1 बाई 2, विच इज इक्वल टू 6। देखिए 2 अंजा 2, यहाँ से कैंसिल आउट। अब ये आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5p या 6 माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाएगा तो 6 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल आउट हो गया। p इक्वल टू व्हाट, पी इक्वल टू 1 आया, क्या आया, पी इक्वल टू 1 आया। ओके चलिए राइट हैंड साइड में हम फाइंड करते हैं पी को क्या माने थे 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर पी रखेंगे तो रखते हैं 1 बाई एक्स, और पी का वैल्यू कितना है 1, पी का वैल्यू कितना है 1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये आपका एक्स बाई 1 विच इज इक्वल टू 1, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर। ओके चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ओके इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी। देखिए आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सेम क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 बाई 3x प्लस y प्लस 1 बाई 3x माइनस y इक्वल टू 3 बाई 4, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके नाउ लेट्स सी अबाउट द सेकेंड इक्वेशन, व्हाट इज गिवन इन अ सेकेंड इक्वेशन, इट इज गिवन दैट 1 बाई 2 3x प्लस y माइनस 1 बाई 2 3x माइनस y इज इक्वल टू -1/2, ये आपके पास गिवन है। ओके तो सबसे पहले हमारा क्या दिख रहा कि आपका लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये आपका लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले इसे लीनियर के फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके तो लीनियर को फॉर्म में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला वर्क आपको एजम्पशन करना होगा। तो हम क्या एजम्पशन करेंगे कि लेट 1 बाई 3x प्लस y इज इक्वल टू p मान लिए नाउ, दूसरा 1 बाई 3x माइनस y इज इक्वल टू q। ओके अब इसे जैसे ही एजम्पशन किए तो हमारा देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बन के आएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 1 बाई 3x प्लस y 1 बाई 3x माइनस y इक्वल टू 3 बाई 4 है, तो ये क्या हो जाएगा p प्लस q इक्वल टू 3 बाई 4। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन क्या है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड को देखते हैं कि क्या गिवेन है, लेट्स सी। देखिए इक्वेशन सेकेंड में क्या है, 1 बाई 2 और उसके बाद क्या है 3x प्लस y, तो हम इसको p माने थे, तो ये क्या हो जाएगा p/2 माइनस q/2 विच इज इक्वल टू माइनस वन बाई एट। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेकर क्या होगा 2, तो लिए तो क्या होगा p-q = -1/8। अब यहाँ से 2 अंजा 2 2 4 जा 8। ओके अब 4 से यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4p-4q विच इज इक्वल टू -1, ये आपका क्या है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर
टू, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। ओके नाउ अब इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन वन एंड टू को। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे पास क्या है, 4p, पहला इक्वेशन लिखते हैं 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू क्या था, 4p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ना अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस। ओके तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 8q, 8q इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके तो q इक्वल टू व्हाट, q इक्वल टू 1 अपॉन 2, q इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके अब यहाँ से हम लोग p का वैल्यू को फाइंड करेंगे, किसको फाइंड करेंगे, p का वैल्यू को। ठीक है चलिए p का वैल्यू के लिए हम इक्वेशन को ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन अ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में डायरेक्टली पुट करते हैं 4p प्लस 4q है ना, तो q के जगह ऊपर क्या रखना बेटा, 1 बाई 2 अभी फाइंड किए ना, देखिए ऊपर में विच इज इक्वल टू 3, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए तो 4p इक्वल टू 8, देखिए 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, p इक्वल टू 1 बाई 4, p इक्वल टू 1 बाई 4। ओके अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बेटा। चलिए तो इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, पी का एजम्पशन किए थे हम लोग, पी को क्या माने थे, देखिए पी इक्वल टू 1 बाई 4 आया आपका। ओके और पी को माने क्या थे, 1 बाई 3x प्लस y विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 1 बाई 4। ओके तो ये क्या बन के आ गया, 3x प्लस y इक्वल टू 4, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ओके सिमिलरली इक्वेशन नंबर फोर को हम बनाते हैं, q इक्वल टू व्हाट, q इक्वल टू 1 बाई 2 आया, और q को क्या एजम्पशन किए थे, 1 बाई 3x माइनस y, तो 3x माइनस 1 बाई 3x माइनस y था ये। ओके विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई 2। अब इसको भी रेसिप्रोकल कर देते तो क्या होगा, 3x माइनस y इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो चुका है। ओके चलिए इसके बाद हम राइट साइड का ही जगह को यूज करते हैं, इसीलिए छोटा लिख रहे बेटा कि हम इसी स्लाइड में ख़त्म करना चाहते हैं। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन थर्ड क्या है, 3x प्लस y इक्वल टू 4। ओके ये आपका थर्ड हो गया इक्वेशन नंबर, और इक्वेशन फोर्थ क्या है, 3x माइनस y इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2, ये आपके इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ओके नाउ अब यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, देखिए x कैंसल आउट, y प्लस y इक्वल टू 8, 2y, अब 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, देखिए कट गया, तो y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर। ओके y का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। नाउ अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 को यूज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस y, y के जगह पर 1 रखेंगे, विच इज इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू व्हाट, देखिए 4 माइनस, अब इसको यहाँ पर आर एच एस की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है तो 4 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, 3 यहाँ से काटेंगे तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ओके ओके स्टूडेंट चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 40, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये होता है बेटा। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने में बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलत करते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। चलिए इसको अच्छे से समझना है आपको, क्वेश्चन क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ओके और सेकेंड इक्वेशन क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके चलिए तो सबसे पहला वर्क क्या है, इक्वेशन को लिख लेना है, लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ओके दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए हमें जो कि x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, किसको, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें ए एक्स बनाना होगा इक्वेशन फर्स्ट में। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इक्वेशन को आपको
ए से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ए से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? देखिए तो ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी ऐसा ही कुछ बनने वाला है ना। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि क्या बनने वाला है। ओके चलिए लेट्स सी। तो इक्वेशन वन को हम लोग ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ए से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया? ए एक्स प्लस ए वाई। ओके अब देखिए आर एच एच में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। सेकेंड इक्वेशन को एज यूजुअल लिख देना है। तो ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई, वेट फ्यू इसे अच्छे से लिख देते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई है ना, माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना हमें? सिंप्लीफाई करना है। लेट सिंप्लीफाई इट। देखिए साइन चेंज किए, माइनस प्लस यहाँ पर माइनस, देखिए ये कट जाएगा। कटने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ही बच्चे गलती करते हैं, इसको आपको अच्छे से लिखना है, डायरेक्टली नहीं करना है। देखिए क्या है ऊपर में, ए वाई, क्या है? ए वाई। उसके बाद देखिए साइन चेंज करके प्लस हो गया, प्लस लिखिए बी वाई, विच इज इक्वल टू, अब ऊपर वाला इक्वेशन लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए माइनस है तो माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में माइनस इनटू होगा तो क्या होगा? प्लस है तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ओके अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर कैंसल आउट, कैंसल आउट। अब देखिए ये वाला आर एच एच में, देखिए आर एच एच यहाँ पर वाई कॉमन हो रहा है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग वाई कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो वाई कॉमन लिए, तो वाई कॉमन लेने पर क्या दिख रहा है यहाँ पर? ए प्लस बी बन जाएगा। ओके और हमारे पास आर एच एच में देखिए ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से बी कॉमन हो जाएगा, बी कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? ए प्लस बी, क्या बनेगा? ए प्लस बी। ओके नाउ इसके बाद जैसे ही हमारे पास ए प्लस बी आ गया, देखिए दोनों तरफ है तो ये काट देंगे, तो वाई इक्वल टू वाट? वाई इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू बी, दिस इज योर आंसर। अब हमारे पास वाई का वैल्यू आया, अब हमें क्या चाहिए? एक्स का वैल्यू। तो क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, और वाई का वैल्यू क्या है? बी। तो वाई प्लस बी इक्वल टू वाट? ए प्लस बी। अब देखिए आर एच एच में लेकर जाते हैं तो क्या होगा? ए प्लस बी, और इधर से आएगा तो क्या होगा? ये माइनस, कैंसल आउट प्लस और माइनस में, तो एक्स इक्वल टू वाट? एक्स इक्वल टू ए। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? आवर आंसर इज एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू बी। ओके चलिए तो ये आपका आंसर है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ओके चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42, इट इज ऑल्सो अ बेस्ट क्वेश्चन। ओके क्या क्वेश्चन है? सॉल्व फॉर अ एक्स एंड वाई, आपको एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करना है। ओके क्या गिवेन है? पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। सेकेंड इक्वेशन क्या है? क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। ओके इट इज गिवेन। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या है कि हमें x को एलिमिनेट करना है कि y को? ओके हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो अगर x को एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना होगा? दोनों हमारा सेम होना चाहिए, x का एलिमेंट्स, तो x का एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो देखिए x का कोफिशियंट क्या है? x का कोफिशियंट क्या है हमारे पास? पहले इक्वेशन में p है, दूसरे में q है, तो इसका अल्टरनेट से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके चलिए तो हम लोग करते हैं, हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं कि ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका क्या है? दूसरा इक्वेशन है। ठीक है फर्स्ट इक्वेशन में q से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में p से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पी क्यू एक्स, क्या हो जाएगा? पी क्यू एक्स प्लस सेकेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा? q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर वाई, क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू, अब देखिए आर एच एच में करेंगे तो p इंटू क्यू क्या होगा? पी क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। ओके इसी तरह से सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे, सेकेंड इक्वेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी क्यू एक्स, अब पी से किए तो ये क्या होगा? पी स्क्वायर वाई, क्या होगा? पी स्क्वायर वाई, अब देखिए आर एच एच में पी प्लस क्यू है तो उससे पी से करना है तो पी इंटू पी क्या होगा? पी स्क्वायर और क्यू इंटू पी इक्वल टू क्यू पी। ओके
अब इसको हमें एलिमिनेट करना है, तो साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा सेम होने के कारण। अब यहाँ पर टर्म को पूरा लिखना होगा, तो देखिए क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अब आर एच एस के टर्म को पूरा लिखना है, तो पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस है तो माइनस इंटू करेंगे, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। ओके, अब देखिए यहाँ से पी क्यू ये की कट गया, यहाँ से y कॉमन लेते हैं, तो y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब देखिए ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया, y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू माइनस वन, y इक्वल टू माइनस वन, दिस इज योर आंसर ऑफ अ y। ओके, नाउ सॉल्व फॉर अ x, तो अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन अ इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन को लिखते हैं, इक्वेशन वन क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। ओके, दिस इज गिवेन, वाई का वैल्यू को पुट कीजिए, पी एक्स प्लस क्यू इंटू माइनस वन, क्यू इंटू माइनस वन विच इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। देखिए क्या हुआ, पी एक्स ये माइनस क्यू हो जाएगा विच इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ओके, नाउ अब क्यू को उधर लेकर जाते हैं, किधर, आर एच एस की तरफ, तो पी एक्स इक्वल टू व्हाट, देखिए p माइनस क्यू, अब ये वाला q इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस q में हो जाएगा, देखिए ये कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, पी एक्स इक्वल टू पी, पी पी कैंसल आउट, पी पी कैंसल आउट, तो x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन, तो दिस इज योर आंसर। x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू वन, एंड द वैल्यू ऑफ y इज माइनस वन, द वैल्यू ऑफ y इज माइनस वन। ओके, चलिए इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग नोट डाउन कीजिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 48, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जनरल टर्म का क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलत करते हैं बेटा, इसीलिए हम जो कि आप लोग को ये क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हम इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसे इक्वेशन वन बना दिए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ओके, हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इक्वेशन वन को क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई, चलिए करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई, अब देखिए आर एच एस में करेंगे a प्लस बी है, तो a से करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका इक्वेशन वन का फॉर्मेट हो गया न्यू। इक्वेशन सेकेंड लिख लीजिए, माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर, माइनस कितने हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट प्लस माइनस होने के बाद, यहाँ से आपका क्या होगा, कॉपी कीजिए, ए वाई प्लस बी वाई उतार दिए, उसके बाद क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब देखिए माइनस इंटू करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या होगा, अब देखिए यहाँ से y कॉमन लेते हैं एल एच एस से, तो y कॉमन लिए तो क्या होगा, a प्लस बी, ए प्लस बी, ओके, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से b कॉमन हो जाएगा ना, ए बी माइनस, सॉरी यहाँ से माइनस माइनस हमारा प्लस होगा बेटा, तो यहाँ से b कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लिए b इज कॉमन, तो b कॉमन लिए तो क्या बचेगा, a प्लस बी। ओके, a प्लस बी कैंसल आउट, तो y इक्वल टू वाट, बी, वाई इक्वल टू बी आंसर आ गया, ठीक है। नाउ अब हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन लेते हैं, क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, इक्वेशन वन ये है, एक्स वाई के जगह पर क्या रखना है, बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो एक्स इक्वल टू वाट, देखिए ए प्लस बी माइनस बी, देखिए ये कैंसल आउट प्लस माइनस, तो एक्स इक्वल टू वाट, एक्स इक्वल टू ए, तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही सिंसियरिटी रखना होता है, अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवेन है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई
इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर वन. ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर टू हो गया. ओके, अब करना क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए करना क्या है. सबसे पहले x को एलिमिनेट करते हैं, किसको एलिमिनेट करते हैं, x को. तो x को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन को फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और सेकेंड वाले को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई. ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, बी टू द पावर फोर, वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बनकर आ गया है इस न्यू फॉर्म में. ए स्क्वायर से कीजिए सेकेंड इक्वेशन को, ये क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स. ओके, बीच में प्लस है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या होने वाला है, ए टू द पावर फोर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर. ओके, नाउ अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस माइनस. अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या हुआ, बी टू द पावर फोर वाई, बी टू द पावर फोर वाई माइनस ए टू द पावर फोर वाई इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर. ओके, चलिए राइट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं. देखिए अब यहाँ पर एल एच एज में हम लोग क्या करेंगे, वाई कॉमन ले लेते हैं. वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी टू द पावर फोर माइनस ए टू द पावर फोर. ओके, इज इक्वल टू, उसके बाद हमारा आर एच एज में क्या है, आर एच एज में देखिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आया, y इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर फोर माइनस ए टू द पावर फोर, ये का y का आंसर हो गया है. ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, y को एलिमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे. तो चलिए इक्वेशन वन और टू को फिर से लिख लेते हैं. इक्वेशन वन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन वन था. और इक्वेशन टू क्या था, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर टू था. अब यहाँ पर y को एलिमिनेट करना था, देखिए बी स्क्वायर है यहाँ पर, ए स्क्वायर है सेकेंड में, तो इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है ना, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. हमें क्या एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है. ठीक है, तो y का एलिमिनेशन के लिए हम लोग क्या लिए, फर्स्ट इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और सेकेंड इक्वेशन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई. चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. अब देखिए मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ए टू द पावर 4x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को कीजिए, बी टू द पावर 4x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर. अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, कैंसिल आउट यहाँ कीजिए, माइनस माइनस माइनस. ओके, अब देखिए जैसे ही माइनस किए तो हमारा वाई वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और एक्स टर्म को कॉपी कर लेंगे, ए टू द पावर 4x माइनस ए टू द पावर 4x माइनस बी टू द पावर 4x इज इक्वल टू, आर एच एज में लिखते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब देखिए माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर. ओके, नाउ अब देखिए इस इक्वेशन से हमारा एल एच एज में x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन निकाले तो क्या लिखेगा आपका, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, क्या है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर. ओके, लिख लिए बी स्क्वायर डी स्क्वायर. अब यहाँ पर x इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4
माइनस बी टू द पावर 4। तो दिस इज योर आंसर ऑफ x, ये आपका x का आंसर है। आया समझ में बेटा? चलिए तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से, और घर में बहुत सारा क्वेश्चन को बनाइए एलिमिनेशन मेथड पे, ओके। थैंक यू एवरीवन।